Hallelujah. Hallelujah. खूबसूरत चेहरे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सब खुश आमदीद है खुदा के मसीह की हजूरी में। मेरी बस इतनी इल्तिजा है कि जब आपके थोड़े लोग हैं तो जरूर वेलकम, यहाँ आगे बहुत खाली है तो आके प्लीज़ आगे वाली सीट्स जो है जमा करें ताकि वाकई लगे कि हम फैमिली यूनाइटेड बैठे हैं। प्लीज़ वेलकम। आवाज़ आ रही है मेरी जी? एसी चल रहा है, कोई मैच नहीं। अच्छा, जब कोई एसी का नहीं मसला फिर वो आ गया। मेरी दुआ है कि हम सब हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है हमें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशे की रूह से भरता है। आमीन। जब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मैं कितनी बड़ी थी, या तो मैं 10-11 साल की होगी, तो हमारी फैमिली में एक बड़े अजीज़ थे जो कि गाय बगाए हमें एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा करते थे। वो पूछा करते थे कि मैं कौन हूँ, और उनके इस सवाल से पापा स्माइल कर रहे हैं, याद आ गया कौन है। तो उनके इस सवाल से बहुत लोग इरिटेट होते थे, कुछ सोचने में मजबूर हो जाते थे। तो तब मैं बहुत छोटी थी, इस चीज़ को इतना समझती नहीं थी, मगर मेरे ख्याल से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन रेज करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो सारे बड़ों को पूछ के तो एक दिन मेरे पास बैठे तो कहते हैं, इसका तेरा क्या ख्याल है, मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा, सोच सोच के मुझे कैसे पता हो सकता है मैं कौन हूँ, ये तो खुदा को भी नहीं पता हो, क्योंकि खुदा ने कहा मैं हूँ जो मैं हूँ। और मेरा ये जवाब सुन के वो इतना हंसे, पेट पकड़ पकड़ के वो हंसे, और मुझे समझ आ गई थी कि मैंने बहुत ही कोई ना अजीब सा जवाब दिया। तो बारह मैं छोटी थी तब, तो बस मेरे सर पे हाथ रखे तो बस टॉपिक ख़त्म हो गया कि मैं कौन हूँ। तो ये एक ऐसा सवाल है, अभी शक्ल गो राउंड जैसे टीवी पे टीचर्स करते हैं, मगर भी मैं इधर राउंड है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि आदम या इंसान ने, जबकि आदम और हवा और खुदा का ताल्लुक आदम के बाग में ख़त्म हुआ, आज तक अपने आप को पूछता आ रहा है कि मैं कौन हूं। और इस मौजू पे फिलोसोफर्स, फिजिशियंस और बहुत ज्यादा आलम ने कई कई किताबें लिख दी हैं, मगर आज तक कोई सेटिस्फैक्टरी वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जवाब नहीं दे सके कि मैं कौन हूं। और आज के दौर में मैं कौन हूं या मैं क्या हूं, इस हद तक कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि सोसाइटी में हम आज ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आया मैं औरत हूं या मर्द हूं। और सोसाइटी वालों ने ही हमारी मदद करते हुए आज हमें 72 आइडेंटिटीज दे दी हैं कि हम किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और ये भी एक ऐसा नंबर है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सामरी औरत और यीशु की जी ये मुलाकात थी, मेरे ख्याल से कलाम में मेरे नजदीक मेरा सबसे एक फेवरेट मुलाकात मीटिंग एक पोर्शन है बाइबल का, जिसमें
यस्सु एक औरत के साथ आमने सामने बैठ के गुफ्तगू करता है। शायद दूसरा उसमें होगा निकोदीमस और खुदा यस्सु मसीह की जो मुलाकात है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। सो दोपहर का वक्त है और यस्सु गरम समारिया के इलाके में पहुंचा है। यस्सु यहूदा में मुनादी करके अब गलील को वापस जा रहे हैं और रास्ते में वो थक गए। पास ही उन्होंने याकूब का एक कुआं उनको नजर आता है और वहां बैठ जाते हैं क्योंकि वो प्यासे हैं। उसी वक्त एक औरत वहां पे आ जाती है और यीशु से कहते हैं कि मुझे कुछ पीने को दे। जवाब में वो कहती है, तू यहूदी है और मैं सामरी हूं, तू आदमी है मैं औरत हूं। हम ये ऑलरेडी पैसेज पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज्यादातर इसको मैं लफ्सी जैसे जैसे कि ये नैरेटेड है बाइबल में, मैं उस तरीके से इसको नहीं आपके सामने पेश करूंगी, बाकी उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं कोशिश करूंगी कि हम अपनी सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकें। तो वो कहती है कि मैं सामरी हूँ, तू यहूदी है, मैं औरत हूँ, तू आदमी है। और फिर यीशु से कहता है, तू मुझे नहीं जानती, नहीं तो तेरा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता और तेरा जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट होता और तेरी जो डिमांड है मुझसे वो डिफरेंट होती। फिर आगे औरत कहती है, तू अपने आप को क्या समझता है? Who do you think you are? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? और यीशु से बताता है कि तेरा एक्चुअल प्रोवाइडर जो है वो मैं ही हूँ और तेरे हर मसले का जो हल है वो मेरे पास है। तो अब लगता है कि सामरी औरत जो है उसको कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गया है। तो सामरी औरत उसे कहती है, आए खुदाबंद, फिर कोई ऐसा जुगाड़ लगा कि मुझे पानी भरने इतना दूर आना ही ना पड़े, बल्कि मेरी जो प्यास है वो घर में बुझ जाए, या बल्कि मुझे प्यास ही ना लगे। और एक्चुअली जैसे ही सामरी औरत ने यीशु के साथ बातचीत की तो हम भी कभी कभी अपने गुफ्तगू में खुदा के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। हम पहले खुदा के पास अपना बनाया हुआ एग्जम्पशन जो है उसके साथ हम आते हैं कि खुदा क्या है, खुदा ऐसा होगा मुझे लगता है, तो उसने भी कहा कि हाँ तू यहूदी है। फिर जब खुदा हमें कोई ऐसी बात बताता है जो हमें सूट नहीं करती तो वो फिर हम सोचते हैं कि क्या ये वाकई ही खुदा है? जैसे औरत ने कहा कि तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है। अगर हमें ये बात भी समझ आ जाती है कि खुदावर क्या कह रहा है तो हम उससे अपनी फिर मर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो कहती है कि खुदावर तू फिर ऐसे करके मुझे प्यास ही ना लगे, तू चल कुछ ऐसा करके मुझे कुएं पे आना ही ना पड़े, तो फिर हम अपनी मर्जी खुदावर के ऊपर पोज करना देते हैं कि ठीक है मसला मेरा है, चल मैं समझता हूँ तो खुदा है, मगर मेरी मर्जी कर, मेरे तरीके से कर। मगर जब तक हम अपने मसले का हल खुदा के तरीके से नहीं करते तो हमारा मसला जो है वो हल हो ही नहीं सकता। सो यीशु से कहता है, जा अपने शौहर को लेके आ। मगर हकीकत में जो उसे वो सवाल पूछ रहा है वो ये है कि तू कौन है? तो वो उसे जवाब में कहती है कि मैं बेशौहर हूँ, मतलब कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। फिर यीशु से कहता है कि ये बात सच्ची तूने की है क्योंकि तूने 5 आदमी छोड़े हैं और जिसके साथ तू अब है वो तेरा हस्बैंड नहीं है।
तो फिर औरत कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम कोई नबी है, तेरी बातें ठीक है मगर मैं किसी और का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ जिसका हमारे कलाम में लिखा है कि एक मसीह आएगा और वो जो है ना वो हमें सही बातें बताएगा। ठीक है तेरी बातें ठीक है, तू नबी है मगर एक्चुअली मुझे तेरा इंतज़ार नहीं है। सो जब खुदा का सलूशन हमें नहीं पसंद आता तो हम ये कहते हैं कि ये जो आवाज़ है ये शायद खुदा की है ही नहीं है, इट्स माई ओन इमेजिनेशन, मेरे दिल में नहीं, शायद मैंने क्या कहते हैं ये मेरे अपने ही जहन की जो है ना इमेजिनेशन है। और फिर हम अपने मुसीबतों का जो हल होता है वो फिर हम दूसरी आवाज़ों के पीछे भाग के तो उसको ढूंढना शुरू हो जाते हैं और हम वो हल ढूंढते हैं जो कि हमारे नफ्स को प्लीज करता है, हमारे फ्लैश को प्लीज करता है और जो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मगर जब वो कहती है कि मुझे यीशु मसीह का इंतज़ार है तो यीशु उसको फिर जवाब में कहता है कि मैं वही हूँ जिसका तो इंतज़ार कर रही है। सो खुदा भी हमारी ज़िंदगी में हमें मौके देता है कि उससे हम पहचान सकें। जब यीशु ने उससे कहा कि मैं वही हूँ तो वो भी उसके लिए एक ऐसा फिर से उसने मौका दिया कि ट्राई टू सी मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ। और तब उस औरत को यकीन हो जाता है कि वाकई ये मसीह है। और उसके बाद आप स्टोरी जानते हैं कि ये औरत भागी भागी जाती है, अपने गांव में जाती है और गवाही देती है सारे लोगों को कि आओ आओ मैंने एक बंदा देखा है, उसने मेरे सारे गुनाह मुझे बताए हैं और वो कहता है कि वो मसीह है, तुम भी आओ तुम भी देखो। और उसके वसीले से फिर बहुत सारे लोग आते हैं, खुदावन दो दिन सामने में ठहरते हैं, बहुत सारे लोग जो आते हैं वो खुदावन के सुबह ही मांग लाते हैं। सो यीशु के साथ मुलाकात से पहले सामरी औरत ये तो जानती थी कि ये बंदा एक यहूदी है मगर जब यीशु उससे उसके साथ कुछ वक्त गुजारता है तो वे ये जान जाती है कि यीशु मसीह है जिसका उसको इंतज़ार है। हम भी उसी तरह जैसे ये औरत जानती थी कि ये बंदा जिससे मैं मिल रही हूँ यहूदी है, हम भी बहुत ऐसी बातें खुदा के लिए जानते हैं। और आज के ज़माने में तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास यूट्यूब है, विजुअल्स हैं, हम ये देख सकते हैं कि खुदा, हम खुदावंद की शख्सियत के ऊपर पढ़ सकते हैं, हम पाखरू की शख्सियत के ऊपर पढ़ सकते हैं, हम यीशु की शख्सियत के बारे में पढ़ सकते हैं, हम ये पकड़ सकते हैं कि बपतिस्मा क्या है, हम ये पढ़ सकते हैं कि बपतिस्मा लेना चाहिए मगर हम ये भी पढ़ सकते हैं कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, हम ये पढ़ सकते हैं कि गैर जबानें क्या हैं मगर हम ये भी पढ़ सकते हैं कि गैर जबानें नहीं हैं। सो हर टॉपिक पे किताब है और हम हर बात के बारे में आज के दौर में जान सकते हैं मगर मेरे भाइयों और बहनों खुदा के बारे में जानना एक बात है और खुदावंद को जानना एक और बात है। सवाल फिर ये है कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। हम खुदा को तब जान सकते हैं जब हम खुद अपने आप को जान पाते हैं। और सामरी औरत को वो कहता है कि मुझे पानी दे और वो उसे जब उसको कन्फ्रंट करती है तो फिर खुदावंद आगे से उसे ये कहता है कि मुझे फिर ऐसा कह कि तू तो मुझे पानी नहीं दे रही पर मुझे तुझे पानी देने दे, मतलब अपनी रूह देने दे ताकि मैं अपने आप को खुदा को तेरे अंदर डाल सकूं, तू मेरा पानी पी फिर।
तो सामरी नहीं रहेगी, तब तू बेशोहर भी नहीं रहेगी और तब तू गुनेगार भी नहीं रहेगी। अज़ीज़ो, हम खुदावंद की शख्सियत पर्सनालिटी से अलग सेपरेट होके अपने आप को भी नहीं पहचान सकते और ना हम अपने खुदा को पहचान सकते हैं। मैं सामरी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं प्यासी हूँ, कुआं बहुत दूर है, तू कौन है? तू नबी है, तू मेरे प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, तू कोई और है, तू कुछ और है। क्या यही एक्सक्यूजेस हमारी नहीं होती? मैं बिजी हूँ, मैं थका हुआ, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसी और धर्म या मजहब का हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, खुदा ओल्ड फैशन है, मैं मॉडर्न हूँ, बाइबल ओल्ड फैशन है। सो हमारे पास ऐसी हजारों एक्सक्यूजेस हैं कि हम खुदा को जिसके लिए जिसकी वजह से हम खुदा को जान नहीं सक पाते। और साथ साथ ही यीशु कुएं पे बैठा हुआ है और मेरे और आपका इंतजार करता रहता है। नहीं यीशु आज नहीं, आज मेरी ड्यूटी है। नहीं यीशु आज नहीं, आज मेरा एग्जाम है। नहीं यीशु आज नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नहीं यीशु आज नहीं, मैं बहुत दूर रहता हूँ। नहीं यीशु आज नहीं, मेरी अभी तैयारी नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ। नहीं यीशु आज नहीं, मुझे अपने गुनाह ज़्यादा प्यारे हैं, मैं अपने शौक तेरे लिए नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, मैं अपना ड्रामा मिस कर दूंगा। ओह, वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिसमस तो मना रहा हूँ ना, और तैयारियों में बिजी हूँ, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? मगर यीशु कुएं पर बैठा इंतजार कर रहा है और उसे प्यास लगी है। आपको शायद याद है कि जब खुदावन ने आदम और हवा को बनाया और उनको बागे अदन में रखा, तो वो ठंडे वक्त उनके साथ मिलने आता था और वो खुद आता था और वो चाहता है कि वो हमसे मिले। मगर एक दिन एक फल, एक फ्रूट उस मीटिंग, उस मेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और अपने और इंसान अपने खुदा से, अपने बनाने वाले से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो वहाँ एक मशीन थी जैसे आटा गूंथते थे, मिक्सर था, उसमें हर चीज़ थी, चॉपर था, सब कुछ था, तो मुझे बड़ी पसंद थी, मगर वो ख़राब थी, वो चलती नहीं थी। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने देखा कि उसके कोई मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स नहीं मिले। फिर हमने एक दुकान पे फ़ोन किया, पूछा कि ये जो है ऐसे ऐसे मशीन चलती नहीं, इसके लिए हम क्या करें। तो आखिर में एक बंदे ने कहा कि आप इसके जो मैन्युफैक्चरर है ना, उनसे कांटेक्ट करें। तो फिर हमें जर्मनी फ़ोन करना पड़ा, जर्मन कंपनी थी, और फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने हमें बताया कि इसका ये पुर्जा जो है वो ख़राब है। तो हमने उनसे वो पुर्जा ऑर्डर किया, डिलीवरी से उसको इंसर्ट किया और ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ है, हम कहाँ कहाँ नहीं भागते, मगर एक, हमें अपनी ख़राबी का पता नहीं है, और दो, हम अपने मैन्युफैक्चरर को मिलना ही नहीं चाहते जिसके पास हमारा सलूशन है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। सो जब वो सामरी औरत को जब सामरी औरत को प्यास लगती है, तो वो कुएं की तरफ भागती है। उसके माइंड में उसके प्यास का सलूशन कुएं का पानी है। सोचने वाली बात यह है कि वो दोपहर की गर्मी में क्यों जाती है। मुझे ये पता है कि गर्म मुल्कों में जब औरतें कोशिश करती हैं कि ठंडे वक्त में जाके कुएं से पानी ले आएं, क्योंकि जब दोपहर होएगी, गर्मी चढ़ेगी, तो इतनी लंबी लंबी वॉक करके बेचारी किलोमीटर्स के तौर पे एशिया में, पाकिस्तान में, चुलिस्तान में, अफ्रीकन इतनी कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं किलोमीटर्स
हम चल के जाती हैं कुआं भर के, कुएं से पानी भर के तो घर में लाती हैं। सो अक्सर ये होता है कि वो सुबह सुबह गर्मी होने से पहले जाके पानी भर के तो वो अपने काम खत्म कर देती हैं। मगर ये सामरी औरत जो थी वो ऐसे नहीं करती थी। और क्यों? क्योंकि वो बिन शौहर थी, उसकी शादी नहीं हुई थी और वो गुनाह में रह रही थी। और उसे पता था कि अगर वो ठंडे वक्त दूसरी औरतों के साथ पानी भरने जाएगी तो वो उसको जजमेंटल नज़रों से देखेंगे, और वो ये चाहती नहीं थी। सो वो प्यासी सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त पानी की तलाश में कुएं के पास जाती है, और वो कुएं के पास यीशु बैठा हुआ है, वो उसे कहती और वो उसे कहता है कि मुझे पानी दे। सो इन अदर वर्ड्स यीशु उसको उस वक्त कहता है कि अपनी ज़रूरत मुझे दे दे। सो फिर शुरू होती हैं उसकी वही एक्सक्यूजेस जो हम पीछे जो मैं आपको बता चुकी हैं बता चुकी हूँ। और यीशु उसे समझाता है कि प्यास लगना और ये तेरी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, और ये कुएं का पानी तेरी एक्चुअल नीड नहीं है, तेरी एक्चुअल नीड मैं हूँ जो कि जिंदा पानी हूँ। तेरा मसला ये नहीं है कि तू प्यासी है, तेरा मसला ये है कि तेरे जिंदगी में गुनाह है। तेरा ये और हमारा ये मसला नहीं होता कि हम थके हैं या हम बीमार हैं या हमारे पास नहीं टाइम, बल्कि हमारा भी यही मसला होता है कि गुनाह हमें रोके रखता है। सो हमें टाइम नहीं, हमें यीशु चाहिए। हमें बहाने नहीं, हमें यीशु चाहिए। और हमें चर्च एक्टिविटीज भी नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। मेरे साथ प्लीज मिल के निकालें मत्ती 7:22-23। कोई भाई या बहन नहीं पढ़ते मुझे? मत्ती 7:22-23। उस दिन ये मुझसे कहेंगे, आए खुदा आए खुदा, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से बोलते नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना हो। आए बलकारो मेरे पास से चले जाओ। और ये बात मसीह किन लोगों के लिए कह रहा है? ये किसी महसूल लेने वाले के लिए, किसी प्रोस्टिट्यूट के लिए, किसी डाकू के लिए नहीं कह रहा। ये उन लोगों के लिए कह रहा है जिनको कह रहे हैं कि ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरुएं निकाली, हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया। दिस इज द डेंजर ऑफ चर्च चैरिटी। हमारा चर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, चंदा इकट्ठा करना, चर्च आना, परस्तिश करना, किसी बात का कोई फायदा नहीं है अगर हमारा खुदावन के साथ वाकफियत नहीं है। और हिंदी में कहते हैं कि हम उसको जानते नहीं हैं। और बहुत सख्त लफ्ज यीशु ने इस्तेमाल किया। आखिर में क्या लिखा हुआ है? आए बदकारो। और ये बदकारों, मैं फिर से आपको रिपीट कह रही हूँ, ये किसी वो प्रोस्टिट्यूट को नहीं कह रहा, किसी डाकू को नहीं कह रहा, ये मुझे और आपको कह रहा है जो यीशु मसीह के नाम से बदरुएं निकालते हैं, मुर्दे जिंदा करते हैं, दुआएं करते हैं। मगर वो क्यों ये कह रहा है? क्योंकि वो हमें जानता नहीं है, उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। आई डोंट नो यू, ही सेज, अवे फ्रॉम माई साइट, ही सेज। खुदा की बादशाह का अगर सिटीजन बनना है, आखिरी दिन में ये जजमेंट की बात हो रही है, सारी दुनिया खुदावन के सामने खड़ी है, हम गेट्स पे खड़े हैं और हमने उसकी किंगडम को एंटर करना है। और वो क्या कह रहा है? ऐ बदकारों मेरे आगे से हट जाओ।
अगर खुदावंद की बादशाहत का सिटीजन बनना है तो उसकी किंगडम में एंटर होने का उसके साथ एक पर्सनल शख्सी रिश्ता रिलेशनशिप जरूरी है। और खुदा की वाकफियत हम ऐसे ही रख सकते हैं जैसे मियां और बीवी एक दूसरे के साथ रखते हैं। आई मीन इट्स नॉट डू एंड डू, देयर इज अ वे, एक रास्ता है। मियां बीवी का रिश्ता, और वो एक दूसरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक कमरा शेयर करते हैं, वो एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताते हैं और अपने प्लान्स शेयर करते हैं। और जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं तो कमरा बंद होता है, अनडिवाइडेड अटेंशन, बस मैं और तू। और ऐसे ही खुदा चाहता है कि हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ हो, दिल की बातें हो, अनडिवाइडेड अटेंशन हो, कमरा बंद हो। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप को जो पोशीदगी में है दुआ मांग। मत्ती 6:5 और उसकी 6 आयत। अगर खुदा को जानना है तो अपने कमरे में आना होगा, उसके साथ छुपना होगा, उसके साथ वक्त बिताना होगा। कमरा इसलिए बंद होता है कि पता हो कि जो लोग अंदर हैं वो डिस्टर्ब ना हो। डोंट डिस्टर्ब। आई एम विद माय फादर, आई एम टॉकिंग टू जीसस, आई एम डिस्कसिंग विद जीसस, आई एम यूनाइटेड विद जीसस। मियां बीवी की जब बातें होती हैं तो वो लंबी होती हैं, उसमें कोई एक बोलता और दूसरा चुप नहीं रहता, एक डिस्कशन होती है। हमें ज़रूरी है कि हम अपना कमरा बंद करें और अपनी बातें उसको सुनाएं और उसकी बातें सुनें। कुछ लोग हैं जो अकेले बैठने से और खामोशी में बैठने से डरते हैं, मैं उनमें होती थी, अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि खामोशी में ना आपको अपना आपका शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स हाइलाइट होना शुरू हो जाती हैं और आपको टाइम मिलता है कि आपने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और उस खामोशी में जो आपको आईना दिखता है और उसमें जो आपको तस्वीर दिखती है वो शायद हम मुझे और आपको पसंद नहीं आती। मगर फिर हमारा महबूब जो है वो हमारे पास आता है, हमारे कमरे में एंटर होता है और आप अकेले नहीं रहते, वो आपको इनकरेज करता है, वो आपको हिम्मत देता है। इस मीटिंग में आप उसको जानते हो और आप एक दूसरे से वाकिफ हो जाते हो, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, उसको जानना। कैसे? दुआ के ज़रिए से, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। कितनी देर? इतनी देर जब तक कि आप उसके आशिक ना हो जाए, क्योंकि फिर वक्त का कोई पर्पस नहीं रहता। 5 मिनट या 5 घंटे, इट डजंट मैटर। आप सोच रहे होंगे कि बहन स्टार्टिंग में तो आपने ये सवाल उठाया था कि मैं कौन हूँ तो उसका क्या बना, तो उसका जवाब यह है कि मैं हूं ही नहीं, वो है और हम हैं। और आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या समझता है, क्या कि आप कि मैं कौन हूं, मतलब हम क्या हैं उसकी नज़रों में। तो इसका बेस्ट तरीका है कि अपने आप को उसके कलाम में ढूंढें, कलाम हमारा आईना बने। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं अगले मंथ के लिए आपको एक होमवर्क देती जाती हूँ कि आपने घर जाके नोट कर लीजिए, नोटबुक लेनी है, बाइबल लेनी है, इफ्सियों का पहला और दूसरा खत पढ़ना है, और फिर आपने नोट करना है कि खुदा
आपके बारे में इन चैप्टर्स के में क्या कहता है, उसके लिए आप कौन हो, आप उसकी नज़रों में क्या हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और मेरी दुआ है कि हम खुदावंद की पहचान में, उसको जानने में दिन रात एक कर दें, और हम दुआ में आगे बढ़ें, कलाम में आगे बढ़ें, क्योंकि इसके बगैर ना हम कभी खुदा को जान सकेंगे, ना हम अपने आप को जान सकेंगे। आपको खुदावंद से बहुत बहुत बरकत दे। मेरे बहन भाई सॉरी जो कि नेट पे देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। स्पिरिचुअल फादर, मुझे पता है कि आप साथ हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। और मेरा ये बबी भाई प्लीज़ आप इधर आएंगे, थोड़ा सा कुछ बजा दीजिए इसके ऊपर। खुदा ने मेरे दिल में डाला था कि अगर कोई बहन भाई है जो प्रेयर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आई गॉट दिस लास्ट नाइट, प्रेयर में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और दुआ करवाना चाहते हैं तो वक्त है। और इसमें शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि मैं उधर लास्ट ईयर आई वॉज देयर, मुझे नहीं पता था कि दुआ में कैसे आगे बढ़ना है, मगर अगर हम दुआ में आगे बढ़ेंगे तो ये तरीका है कि हम खुदावंद को जान सकें। सो ज़रूरत नहीं कि आप आगे आएँ, जस्ट रेज योर हैंड तो हम दुआ करेंगे।
सलाम के साथ जाए।